गुड इवनिंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि जो एक प्लांट होता है, हम सभी को पता है कि जो एक प्लांट होता है वो जब वो फूड बनाता है, उस फूड में वो सनलाइट के साथ साथ में सॉइल के थ्रू वाटर का भी इनटेक करता है। यानी कि वाटर का एक प्लांट के ग्रो होने में या डेवलप होने में एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम इसके वाटर के इम्पोर्टेंस की बात करें, किसके इम्पोर्टेंस की, वाटर के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो सेल होता है, किसी भी सेल, यानी ज़्यादातर जैसे कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर 80-85% वाटर प्रेजेंट होता है। उसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर 80-85% वाटर जो है किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप देख ही सकते हैं जो इसकी परसेंटेज है किसी भी सेल के अंदर कितनी है, 80-85%, इट मीन्स मोर देन 50%। तो ये एक फैक्टर अकेला ही ये आपको बता सकता है कि वाटर की प्लांट के अंदर इम्पोर्टेंस कितनी होती है। तो दूसरी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट कैरियर की तरह रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जो इजीली फ्लो कर सके, इजीली पास हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और वाटर जो होता है वो एक सॉल्वेंट कैरियर की तरह रोल करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जो वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन अगर होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा वाटर होता है वो एक सॉल्वेंट कैरियर की तरह रोल प्ले करता है। अगर हम कोई भी रिएक्शन, जैसे कि आगे हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, परमेबिलिटी पढ़ेंगे, परमेबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमेबल होती है सॉल्वेंट के लिए और लेस परमेबल होती है सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट जो होते हैं वो अदर देन जो वाटर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, हमेशा सॉल्यूशन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू टाइप्स के सॉल्यूशन, टू टाइप के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। कुछ पार्टिकल उसके अंदर सॉल्वेंट के होंगे और कुछ पार्टिकल उसके अंदर सॉल्यूट के होंगे। सॉल्वेंट वो पार्टिकल्स होते हैं जो इजीली पास हो जाते हैं, इजीली किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास होके वो आगे का फर्दर जो काम होता है उसका पूरा करते हैं। पर जो सॉल्यूट होते हैं ये बड़े ही सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं या सेमी परमिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये बहुत ही सेलेक्टिव कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो ही मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, या फिर ये बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्वेंट जो होता है वो हम कभी भी पढ़ेंगे, तो सॉल्वेंट में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट कैरियर का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें, तो जो वाटर होता है वो सेल वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। वो किसी भी सेल की टर्जिडिटी होती है कि एक रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी आ जाने से वो सेल का ब्रेकेज होना या फिर सिकुड़ना, ये सब काम होते हैं। तो उस टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखने में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो वाटर होता है वो सेल के वैक्यूल में प्रेजेंट होके उसकी टर्जिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो वाटर का एक कार्य अगर हम देखें, तो ना हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं जो एक वाटर होता है उसका काम क्या हो सकता है। वाटर जो होता है जब किसी भी जगह पे होता है तो वो एक नमी प्रदान करता है उस जगह को, उस जगह की फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखता है। तो इसी चीज़ को इधर बताया है कि जो वाटर होता है वो सेल के अंदर, जो सेल वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होके उस सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर दूसरी बात करें, चौथी बात करें इसकी, तो ये स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। किसकी सेल के अंदर? प्लांट की लीफ जो होती है, लीफ के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। वो स्टोमेटा का क्या वर्क होता है? ये दिन में ओपन होते हैं,
फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि ट्रांसपिरेशन के लिए और गैस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा जो होते हैं ये प्लांट के अंदर वर्क करते हैं। यानी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है, यानी कि हम जैसे जानते हैं प्लांट जो होते हैं वो CO2 जो होता है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और रात में जो है ये CO2 को लिब्रेट करते हैं। तो ये जो लिब्रेशन इनटेक और बाहर निकालने का जो काम हो रहा है, लेने का और बाहर निकालने का गैस का, ये स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। स्टोमेटा एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताती हूँ। स्टोमेटा जो होता है वो इस तरीके से बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने बचपन में, अगर 7th-8th की बात करें तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं। इसी ये स्टोमेटा जो होता है वो इस तरीके से होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर। ये दिन में तो ओपन होता है और नाइट में ये क्लोज होता है। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो काम होता है स्टोमेटा का, ओपनिंग का और क्लोजिंग का जो काम होता है वो किसी भी प्लांट के अंदर किसका काम होता है, स्टोमेटा का। स्टोमेटा वो पार्ट होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर प्लस गैस का एक्सचेंज करने में मदद करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा एक्सचेंजेस गैस, ठीक है। क्या चेंज करता है, ये एक्सचेंज करता है गैसेस को, एक्सचेंज करता है और वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है। वाटर को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्लांट की लीव से बाहर निकालता है। ये काम भी क्या ऑन करता है, स्टोमेटा करता है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो काम होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है। तो ये और एब्जॉर्प्शन, और जो किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखें कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो वो भी एब्जॉर्प्शन का काम भी किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो वाटर होता है वो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, वो किसी भी सेल के अंदर सॉल्वेंट कैरियर की तरह काम करता है, वो किसी भी जो वाटर होता है ये किसी भी सेल के अंदर 80-85% में प्रेजेंट रहता है, ये स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को भी हेल्प करता है और ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर हुए, या फिर बोल सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस किसी भी प्लांट के अंदर क्या हो सकती है, वो ये इम्पोर्टेंस उसकी हुई। अगर हम आगे बात करें डिफ्यूजन, वर्ड डिफ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन यानी कि किसी भी चीज़ का फ्यूजन होना, यानी कि किसी भी चीज़ का मिल जाना फ्यूजन होता है। अब यहाँ डिफ्यूजन किस चीज़ का हो रहा है, अगर हम बात करें अमोनिया गैस की, अगर हम अमोनिया गैस को किसी भी रूम में ओपनली छोड़ दें तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। वो स्प्रेड क्यों होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स हुए उनके अंदर मूवमेंट हुआ, वो मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने दो तरीके की एनर्जी हमेशा पढ़ी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। किसी भी चीज़ के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। अगर हम देखते हैं कि परफ्यूम होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है उसकी स्मेल पूरे उसमें हमारे जो अगर रूम है या पर्टिकुलर सराउंडिंग में क्या हो जाती है, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत जल्दी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि मॉलिक्यूल्स, चाहे वो गैस हुआ या सॉलिड हुआ या लिक्विड हुआ, कोई मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर हम बात करें गैस की बात कर रहे थे हम अमोनिया गैस की, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो गैसेस हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है अपनी मूवमेंट शो करने के लिए। उस मूवमेंट जो वो शो करते हैं उस पर्टिकुलर
रीज़न में है उसमें वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को शो करते हैं, क्योंकि उसी में उनकी स्पीड कनेक्ट, मतलब कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पीड होती है, उसी वजह से वो स्प्रेड हो पाते हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट होने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी की वजह से वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन जो होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई मॉलिक्यूल अपना मूवमेंट शो करता है। अगर मूवमेंट है तो उसमें कौन सी एनर्जी देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से जो मॉलिक्यूल्स एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर मैंने जैसे अमोनिया का तो डिफ्यूजन के अंदर आपको एग्जांपल बता दिया था, अगर हम दूसरी बात करें तो ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने सॉल्यूट के फॉर्म में तो क्या लिया, हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, और सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को क्या किया, घोल दिया, डिसॉल्व किया, तो इस सॉल्यूशन ने कौन सा कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया। यानी कि जब कॉपर सल्फेट क्या किस फॉर्म में थी, क्रिस्टल के फॉर्म में थी, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में थी ये, और जैसे ही ये एक सॉल्वेंट में गई, क्रिस्टल फॉर्म कन्वर्ट होके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, वो जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हुआ। ये जो ब्लू कलर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में कोलेबरेशन किया। अब वो किस वजह से किया, जो क्रिस्टल के जो यानी कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया, मूव करके उन्होंने सॉल्वेंट यानी कि जो सॉल्यूशन था उसके अंदर किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक उसी सॉल्यूशन का यानी कि लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूट से कैसा, सॉलिड से कैसा बना बन गई है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, बट सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर हम डिफ्यूजन देखें तो मूवमेंट तो हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर, बट उसके कैरेक्टर को भी उसने चेंज कर दिया, वो कैसे फॉर्म में से सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उसने ब्लू कलर भी चेंज कर लिया। तो ये एक एग्जांपल है, अमोनिया गैस भी एक एग्जांपल हुआ उसका, और ये कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ में यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ में डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन के अंदर अगर जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं अगर उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट अगर हम देखें तो वो मूवमेंट जो है वो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, कंसंट्रेशन। मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो डिपेंड किस पर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पे। कौन से मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंस के, डिफरेंट सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक सब्सटेंस हुआ और वाटर का भी, वाटर एक खुद एक सब्सटेंस हुआ, तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, बट वो उसके अदर सब्सटेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम डिफ्यूजन को
इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे वो किसी भी सब्सटेंस के अफेक्शन के ऊपर, यानी कि वो जो सब्सटेंस अगर कोई अफेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन के ऊपर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट वो किसी भी उसकी उसके सब्सटेंस पर अफेक्शन या अफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो डिफ्यूजन होता है वो इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन होता है। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर वो आधारित रहता है, जो यानी कि उसके अगर हम देखें तो डिफ्यूजन को कॉज करने के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर। मैंने बताया कि इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होने की वजह से उनके अंदर कौन सी एनर्जी बताई थी मैंने, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या फॉर्म कर लेती है, वो एनर्जी उसके अंदर एक उस मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट क्रिएट कर देती है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर जो एक फैक्टर है अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इट मींस अगर टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन की रेट कैसी हो जाएगी, डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज करेगी। ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर हम फैक्टर्स में बात करें सबसे पहले, तो फैक्टर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इंक्रीज करेगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी, वो जो सॉरी डिफ्यूजन जो रेट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होने पर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट के। वहीं अगर हम बात करें डेंसिटी की, किसकी, डेंसिटी की, तो डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी के। यानी कि अगर हम डिफ्यूजन की रेट की बात करें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के। इन्वर्सली किसके, स्क्वायर रूट के, किसके, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस अगर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगी, यानी कि डिफ्यूजन रेट डिक्रीज होगी, या फिर लेस बोल सकते हैं कि लेस हो जाएगी अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, तो अगर डिफ्यूजन रेट कब कम होगी, अगर डेंसिटी रेट बढ़ेगी तो डिफ्यूजन रेट जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड फैक्टर क्या हुआ, डेंसिटी। अगर हम टेम्परेचर के बाद में अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो उसका जो स्क्वायर रूट डिफ्यूजन रेट में, डिफ्यूजन रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट किसका, डेंसिटी का स्क्वायर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन की रेट के। यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट डिफ्यूजन की अपने आप कम हो जाएगी।
ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ये इसका जो डेंसिटी का जो फैक्टर है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर की, तो मैं बताती हूँ आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। क्या आ गया? प्रेशर ग्रेडियंट। अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट की, तो डिफ्यूजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफ्यूजन के जो मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बात करें खाली मॉलिक्यूल्स की, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से, हायर प्रेशर ग्रेडियंट से एरिया से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ऐसे ही इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो डिफ्यूजन पे कैसे रोल करता है, कि जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर, वो हायर प्रेशर ग्रेडियंट एरिया से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट एरिया की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट एरिया भी यही होगा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ हायर प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जहाँ हायर प्रेशर होगा वहाँ पर कंसंट्रेशन हायर होगी, और जहाँ लोअर होगा वहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। तो यानी मूवमेंट जो होता है वो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सभी क्या हुए, हमारे डिफ्यूजन के फैक्टर्स हुए। क्या क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्परेचर, उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, टेम्परेचर के बाद हमने पढ़ा डेंसिटी, डेंसिटी के बाद पढ़ा हमने प्रेशर। तो ये तीनों फैक्टर उसकी कैसे कैसे उसके रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और प्रेशर ग्रेडियंट उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये उसके फैक्टर्स हुए। अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस एक्चुअली होती क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है डिफ्यूजन की, कि हम इसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम डिफ्यूजन के इम्पोर्टेंस की बात करें कि प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन जो होता है उसका क्या मेन, हम पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का, ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका यूज़ है जो कि हमें हेल्प करता है, वो हम पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि डिफ्यूजन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो होता है वो एक तरीके से क्या करता है, एक्सचेंज करता है मॉलिक्यूल्स को, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ऐसे ही ये गैसेस का भी एक्सचेंज करता है, O2 एंड CO2 का प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बीच में, यानी कि प्लांट से एनवायरनमेंट में जो गैस एक्सचेंज का जो वर्क करता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जो स्टोमेटा में मैंने बताया था कि गैस एक्सचेंज होती हैं, वो डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू गैसेस का, यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2 बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, ये किसकी इम्पोर्टेंस हुई, डिफ्यूजन की। ये एक तरीके से हम उसका वर्क भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो उसका कार्य होता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करे, बट वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज प्लांट से एनवायरनमेंट में होता है।
दो ही गैसेस का होता है, और भी गैसेस का होता है, बट जिनको हम जानते हैं कि O2 और CO2 मेनली गैस होती हैं जो एक्सचेंज करती हैं। सेकंड, अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये जो डिफ्यूजन होता है, मैंने बताया था कि स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर का ट्रांसपिरेशन भी होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, फिर वही ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर फॉर्म में किसमें एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो वाटर वेपर के फॉर्म में जाती हैं किसमें एटमॉस्फेयर में, ये भी जो प्रोसेस होती है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है, यानी कि डिफ्यूजन ही वो फैक्टर है जो कि हेल्प करता है वाटर वेपर का लिब्रेशन कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि लिब्रेट ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर अकर्स ड्यू टू बाय डिफ्यूजन, लिब्रेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर का जो लिब्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लिब्रेट करता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, यानी कि बहुत ही, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव फॉर्म में जब मिनरल सॉल्ट्स का, यानी कि मिनरल के फॉर्म में सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसी के ही थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें किसकी, डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। डिफ्यूजन के पोर्शन में हमने उसका डेफिनेशन पढ़ी, उसके फैक्टर्स पढ़े और उसके इम्पोर्टेंस पढ़ी। हमने सबसे पहले वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ी, क्योंकि जो चैप्टर है चैप्टर 5, इसमें हमने प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखा और प्लांट के अंदर वाटर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, पहले हमने वो पढ़ा, फिर हमने डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने उसके फैक्टर्स पढ़े, फिर हमने उसके इम्पोर्टेंस पढ़े। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन, व्हाट इज़ द फैक्टर्स विच डिफ्यूजन डिपेंड्स एंड व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस, तो ये उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और उसके फैक्टर्स क्या हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को रिपीट कर करके बहुत ही आराम से समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं परमेबिलिटी और ऑस्मोसिस को और उसके इम्पोर्टेंस को लूँगी। आज के लिए धन्यवाद।